पाकिस्तानी मीडिया अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है और वहाँ के एंकर्स और रिपोर्टर्स के तो क्या कहने, उनकी रिपोर्टिंग और एंकर्स के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। अब आप अभी का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए जिसकी वजह से ये पाकिस्तानी एंकर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल लाइव डिबेट के दौरान पाकिस्तानी महिला एंकर पैनलिस्ट से देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बातचीत कर रही थी। तभी पैनलिस्ट कहते हैं कि अकेले एप्पल का बिजनेस पाक के सालाना बजट से ज़्यादा है। तो इसके जवाब में एंकर कहती हैं, हाँ मैंने सुना है सेब का व्यापार काफ़ी बढ़ा है। ये सुनने के बाद पैनलिस्ट एंकर को उसकी गलती के बारे में डिबेट के टाइम ही टोक कर बताता है। खैर अब तक तो गलती सुधारने के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि ये प्रोग्राम चल चुका था और लोगों को ट्रोल करने के लिए मज़ेदार कंटेंट भी मिल चुका था क्योंकि वो चलते शो में एप्पल कंपनी और एक एप्पल जो कि फ्रूट होता है उसके बीच का फर्क ही नहीं समझ पाई जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। सर ये मैंने सुना था कि बिजनेस किस लेवल की इतनी सारी इकसाम है। तो एप्पल मोबाइल की बात हो रही है इस वक्त ना, तो यानी तुमने खाने वाले एप्पल की बात कर। वैसे आपको बता दें कि ये मामला 4 अप्रैल के शो का है जिसका वीडियो क्लिप नायला इनायत ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था जिसके बाद से ये मामला सबके सामने आया। खैर ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी एंकर्स ऐसी गलतियां करते रहते हैं। आपको याद हो तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब पाकिस्तानी मीडिया में लगातार मोदी की बड़ी जीत का विश्लेषण हो रहा था तो इसी बीच पाकिस्तानी चैनल का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। और हुआ कुछ यूं था कि पीएम मोदी ने जीत के बाद कहा कि इस जीत पर बीजेपी का हर कार्यकर्ता अभिनंदन का अधिकारी है। बस फिर क्या था, इस एक शब्द से पाकिस्तानी एंकर थोड़ा भ्रमित हो गया और उस पाकिस्तानी एंकर ने अभिनंदन को विंग कमांडर अभिनंदन समझ लिया और उसकी इसी चूक से वो पाकिस्तान के साथ साथ हर जगह ट्रोल होने लगा था। फिर ट्रोल करते हुए लोगों ने उन्हें समझाया था कि हिंदी शब्द में अभिनंदन का मतलब बधाई देना या फिर अभिवादन करना होता है। अभिनंदन का मतलब हमेशा विंग कमांडर अभिनंदन नहीं होता। खैर ट्रोलर्स लोगों का मानना है कि भले ही पाकिस्तानी एंकर जानकारी ढंग की दे ना दें पर एंटरटेनमेंट पूरा देते हैं। आपको तौबा तौबा वाले पत्रकार तो याद ही होंगे जो बार बार तौबा तौबा बोलकर अपने कान पकड़कर शिकायत कर रहे थे कि भारत ने पाक को टमाटर की सप्लाई बंद करके बड़ी भूल की है और धमकी दे रहे थे कि इसका खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। और तो और गधे के ऊपर बैठकर रिपोर्टिंग करने वाले को भला कौन भूल सकता है जो अपनी ही हरकतों की वजह से पूरे विश्व भर में मशहूर हो गए थे। तो इस एंकर की गलती तो कम ही है इनके सामने और स्मिता प्रकाश ने इस एंकर की गलती को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हाय मैं वारी जाऊं इनकी मासूमियत पर। आप हमें ज़रूर बताइए कि इसे आप क्या कहेंगे, मासूमियत या फिर गलती।